दिखने की बड़े सुंदर है, कोई कह रहा महाराज जैसी श्याम सुंदर है ऐसे है, किसी ने कहा महाराज एक अंश चारू मर्द है। सभी ने महाराज इधर से कहा जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव गिनाई। जिस पर गुरु और जगह नहीं मिली बैठने के लिए, दुकान के ऊपर जा रखे पेड़ पे आराम से मजे से सो रखे। ये सब खा रहे हैं, इसका बर्थ है आज। यहाँ पे है मैं ससुर जी की छोटी सी दुकान, चाय पानी पूजा का सामान। आप जब भी रुच महादेव आओ यहाँ से चाय पानी पी के जाना और पूजा का सामान ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पे, और ठीक यहाँ पुल के पास और सामने है रुच महादेव जी, महादेव जी की शिला और सुंदर संगम यहाँ पे। और भजन कीर्तन भागवत के बाद सब लोग यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, सब महाराज जी के द्वारा कराया जा रहा है यहाँ पे। ये देखो सब यहाँ पे प्रसाद खा रहे हैं, पूरी छोले चाय, और इसके बाद हम जाएंगे अपने घर। और पीछे से इनके नंदी भी बैठ रहे हैं। कालीमठ से आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज हम आए हैं रुच महादेव, जो कालीमठ से 7 किलोमीटर की दूरी पे है, और यहाँ पे भगवान भोलेनाथ की विशाल शिला है
और यहाँ पे तो नदियों का संगम है, एक खाम बुग्याल से आती है, एक मनना माई से ना, हाँ दोनों नदियों का संगम है यहाँ पे। और यहाँ पे हो रही है भागवत, जो यहाँ पे बाबा जी रहते हैं वो हमेशा यहाँ पे भागवत कराते हैं, हर साल यहाँ पे भागवत कराते हैं। शायद मेरे हिसाब से ये चौथा भागवत है या तीसरा चौथा भागवत है, और सारी व्यवस्था महाराज जी की तरफ से होती है, और सब लोगों को यहाँ पे खाना पीना रहना सारी व्यवस्था बाबा जी करवाते हैं यहाँ पे। और बहुत सुंदर भजन कीर्तन के साथ भागवत हो रहा है यहाँ पे, और हमने भी भागवत को यहाँ पे अभी सुबह आगे थे जल यात्रा के बाद भागवत सुना, और इसके बाद हमने प्रसाद ग्रहण किया। तो अब हम चलते हैं अपने घर के लिए, और अब हमको गाड़ी मिलेगी तो गाड़ी से जाएंगे, नहीं तो हम पैदल जाएंगे। हर हर महादेव, बोलो रुच्छ महादेव की जय। हाँ पारवे बनना है गोटी का था बड़ा मुझे पार जंगल से आ रही है, बहुत सुंदर लग रहा है। क्या वाला रुच महादेव का सुंदर नजारा आप देख रहे होंगे, और इस सुंदर नजारे से को देख के ऐसा लग रहा है मीलों दूर तक हम पैदल चलें। साथ में देखो बकरियां भी चल रही हैं, और सामने रुच महादेव का मंदिर दिख रहा है, बहुत सारे लोग देखो रंग बिरंगे दिख रहे हैं, पीले लाल सब घर जा रहे हैं। अब एक बकरी ले ली है, लक्ष्मी देव माता वापस जा रहा दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ से जा रहे हैं सामने जंगल में, यह है स्यासुगढ़ वाले, और इतना जंगल पार करने के बाद अपने गांव में पहुँचेंगे।